हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 2 पॉलीनोमियल का स्पॉट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 63 में दे रखा है, अ लिटरेसी कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज बाय क्लास 9 गर्ल स्टूडेंट अंडर NSS। ठीक है, एक कैंपेन ऑर्गेनाइज की गई है क्लास 9 की लड़कियों द्वारा जो कि NSS के अंडर में आते हैं। स्टूडेंट मेड x-5 रो एंड 3x-4 कॉलम फॉर द रैली। इस रैली के लिए इतने रो और इतने कॉलम बनाए जाते हैं। राइट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म अ पॉलीनोमियल। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। देखो रो होती है हमारी ये वाली लाइनें, ठीक है, इन्हें बोलते हैं रो। जो इस तरीके से जो मैं डॉट लगा रहा हूँ, मान लो ये हमारी लड़कियाँ हैं जो इस रो के अंदर खड़ी हैं, ये रो होती हैं और ये होते हैं कॉलम। अब मुझे पता लगाना है कि जितने मैंने डॉट लगाए हैं कितने हैं। तो पहले रो चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हमारी रो हैं। कॉलम कितने होते हैं, कॉलम होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5 ही होते कॉलम। अब मैं 4 को 5 से गुणा कर दूँ तो कितना आएगा मेरा, 20। यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने में पता लग जाता है कि टोटल गर्ल्स कितनी हैं। चेक काउंट करके देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो मैं लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल होगा हमारा रोज इनटू कॉलम। तो हमें यहाँ पे रो दे रखी है x माइनस का 5 और कॉलम दे रखे हैं 3x-4। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, वो देखो कैसे करना होगा। x को मल्टीप्लाई करते 3x के साथ, पावर 1, पावर होगी 2। x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, माइनस का 4x, माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ, 5 3 15x। माइनस के 5 को 4, माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस 5 4 20, 3x2। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 19x प्लस में 20। ये पॉलीनोमियल की फॉर्मेशन में हमारे आ गया टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 63 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दे रखा है, अंडर अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, कोई पौधा लगाने का प्रोग्राम हो रहा है क्लास 9 के थ्रू, प्लांटेड टोटल 3x² - 4x - 4 ट्री। इतने टोटल प्लांट लगाए गए हैं इन अ स्कूल। इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर x-2, यदि टोटल स्टूडेंट x-2 हो, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्री प्लांट बाय ईच स्टूडेंट। तो बताओ हर एक बच्चे ने कितने प्लांट लगाए। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझने की कोशिश करते हैं। मान लो टोटल प्लांट लगाए गए 5000 स्कूल के अंदर या कहीं पर भी लगाए गए। स्कूल के अंदर बच्चे थे 500, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट को नंबर ऑफ, और मैंने मान लिया कि वहाँ पर एक्स प्लांट लगाए एक बच्चे ने, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को नंबर ऑफ प्लांट से मल्टीप्लाई करने पे टोटल नंबर निकल के आते हैं। ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड दिया, 5 किस में डिवाइड दिया, यानी कि 100। हर बच्चे ने कितने प्लांट लगाए यहाँ पे, 2 0 है ना, 2 0 2 0 कट जाएगा, यानी हर बच्चे ने 5 1 5 10 प्लांट लगाए। तो हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको ईच स्टूडेंट प्लांटेड ट्री, उनसे मल्टीप्लाई करने पे टोटल स्टूडेंट, टोटल प्लांट निकल के आ जाते हैं। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं मेंशन करता हूँ टोटल स्टूडेंट इनटू ईच स्टूडेंट्स स्टूडेंट प्लांटेड नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो वो इक्वल होगा टोटल प्लांट के, यानी जितने प्लांट लगाए गए होंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल स्टूडेंट हमें गिवन है कितना, एक्स माइनस का 2 इंटू में ईच स्टूडेंट कितने लगाए, मैंने मान लेता हूँ नंबर ऑफ प्लांट, इसे मान लेते हैं टी प्लांट, मान लेते हैं कि टी प्लांट लगाएंगे, ठीक है। टोटल प्लांट में कितने दे रखे हैं, 3x² - 4x - 4। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन के फैक्टर हो रहे हैं तो सबसे बढ़िया है, अगर नहीं हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, या तो डिवाइड करके कर लो तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर इसके फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं फैक्टर करता हूँ, 3 4 12, हमें दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 12x² आए, प्लस या माइनस करने पर 4 आए। तो ऐसी कंडीशन में इसके फैक्टर बनेंगे हमारे 6 2 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर 12 आया, 6 6 में से 2 जाए कितना आएगा, 4, 3x², यहाँ लिखा मैंने 6x प्लस में 2x माइनस का 4, 6 में से 2 का कितना है 4, बड़ा मैंने माइनस का रखा ताकि माइनस करने पे आंसर माइनस का ही आए। इन दोनों को एक साथ,
दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरा 3x, यहाँ बचेगा कितना मेरा 1x, 3 2 6, दोनों में डिवाइड जा रहा है 2 का, 2 1 2 2 2 4, ये दोनों टर्म हमेशा एक जैसी आनी चाहिए। अगर एक जैसी नहीं आए तो समझ लेना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। x माइनस में 2 एक साथ रख लिया और 3x प्लस में 2 को एक साथ रख लिया। यहाँ हमारा चल रहा था x माइनस का 2 इंटू में t। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट कितना होगा 3x प्लस में 2। यहाँ लिखता हूँ मैं ईच स्टूडेंट प्लांटेड नंबर ऑफ ट्री, यानी हर एक बच्चे ने कितने प्लांट लगाए हैं 3x प्लस में 2। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।